प्राइम न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काजमी। अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के दौरे पर पहुंचे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि मोदी का शासन दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक को बर्बाद करने का एक सबक है। वायनाड में राहुल कई कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने कहा कि आप आज देश की स्थिति को जानते हैं, हर किसी के लिए यह स्पष्ट है कि क्या चल रहा है। भारत 2-3 बड़े व्यापारियों के हित में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा चलाया जा रहा है। आज हर एक उद्योग पर 3-4 लोगों का एकाधिकार है। इससे पहले राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से अपील की थी कि कृषि कानूनों को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। तीनों कृषि कानूनों की मुखालफत करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा था कि सच्चाई ये है कि अधिकांश किसान विधायक तीनों कृषि कानून के विवरण को नहीं समझते हैं, क्योंकि अगर वो समझ गए तो पूरे देश में आंदोलन होगा, देश में आग लग जाएगी। राहुल गांधी ने राष्ट्रपति महात्मा गांधी का एक वक्तव्य ट्वीट किया और तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग की। राहुल ने महात्मा गांधी के विनम्र तरीके से आप दुनिया हिला सकते हैं वक्तव्य को ट्वीट किया था। राहुल गांधी ने आगे लिखा था कि एक बार फिर मोदी सरकार से अपील है कि तुरंत कृषि विरोधी कानून वापस लिए जाएं, लेकिन अब जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हैं, देखना होगा कि राहुल गांधी के इन बयानों पर सरकार की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN9 न्यूज के साथ।